मनारा के आंसुओं की वजह मुनावर और अंकिता का बॉन्ड है जो कि दिखाई दे रहा है। आप लोगों को तो पता ही है कि मनारा जो है, जो चीज़ें फील करती है वो एक अलग तरीके से एक्सप्रेस करती है। काफ़ी सारे लोगों की ऐसी नेचर होती है और सभी लोग इसीलिए बोलते हैं कि लड़कियों को समझना मुश्किल है, और एक्चुअली में मनारा को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मनारा जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और वो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर मिला हुआ है यार उसके परिवार से। उसको कभी भी किसी ने ऐसे बैक स्टेप नहीं किया, इसीलिए उसको छोटी छोटी चीज़ों से ना हर्ट हो जाता है। अभी ये गेम है, अभी गेम में मनारा को पहले भी लग रहा था और अब भी लग रहा है, जिसका पहले भी मुनावर ने जवाब दे दिया था। पर अब मनारा जो है मुनावर के पास ये टॉपिक तो लेके नहीं जा रही, पर बाबू भैया के सामने रोते रोते ये बात बोल रही है कि ये लोग ग्रुप बना के मेरे ऊपर आ रहे हैं। ये बंदा जो कि एक्चुअली में इतना ज़्यादा गुस्से में गया था, उसके बाद जो है आराम से वापस आ रहा है। कुछ ही देर पहले जो है जब मनारा वहां पर बैठी थी, तब मनारा के सामने जो है मुनावर अंकिता के गले में हाथ डाल के जो है वहां पर घूम रहा था। तो मनारा ने ये सब चीजें देखी। अभी अंकिता के साथ जो है सुबह से, इवन कल से जब टास्क स्टार्ट हुआ था और जब पावर से बाहर निकाला अंकिता ने, उसके बाद से जो है बहुत सारी बहस, बहुत सारे टोंड, बहुत सारी खरी खोटी एक दूसरे को सुनाई। आज भी बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। आज जो है अंकिता ने ऐसी ऐसी बातें निकाली कि भाई इसने ना, इसने ये बातें बोली है तेरे बारे में, करेक्टर लेस सिंकिंग के बारे में बोला है, ये बोला है, वो बोला है, सबके बारे में जो है जाके बिचिंग करती है। तो अभी इसका असली चेहरा सामने आ चुका है। अभी मनारा को ये चीज़ लग रही है कि जो ग्रुप बना के मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनके साथ कंधों पे हाथ डाल के ये बंदा घूम रहा है, और ये बंदा बोलता मैं इसका दोस्त हूँ। तो मनारा की असली वजह ये है कि ये बंदा जो है ये मेरे साथ नहीं है और ये बहुत नॉर्मल है, बहुत कैजुअली बिहेव कर रहा है, जो कि इसको नहीं करना चाहिए, इस वजह से मैं गलत दिख रही हूँ। तो मनारा के माइंड में कुछ भी आ सकता है, और मनारा जो है जो चीज़ें सोचती है, जो चीज़ें फील करती है, वही चीज़ें उसको दिखाई देती है, और उसी के ऊपर वो खुद ही हर्ट होती रहती है, और खुद देखती रहती है, खुद समझती है और खुद हर्ट हो जाती है। मैं तो बस और बस यही बात बोलना चाहूंगी कि सलमान खान जो है एक बार मनारा को इस वे में समझाए कि उसको समझ में आ जाए और वो इन सब चीज़ों को छोड़े और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए, जो कि उसके लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो ऐसा मनारा के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। ये गेम है, ये घर अलग है, बाहर की दुनिया अलग है। यहाँ पर सरवाइव अगर आप कर गए तो बाहर की दुनिया में आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल भी बड़ी नहीं लगेगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।